कौन जो है। इसके आगे क्या हुआ वो आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। Alright, so what is up guys? Welcome back to your channel. So, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम आए थे तिरुपति, हाँ माई फेवरेट प्लेस। तो फिलहाल मैं हूँ अपने रूम में नहाकर रेडी हो गया हूँ और अभी का टाइम हो रहा है 7:17। तो बस मैं भी तैयार हो गया हूँ और आज के व्लॉग को देखना बस। और कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो यार शुरू करते हैं इस व्लॉग को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे गोविंदराज स्वामी टेम्पल, उसके बाद अली पेरी तिरुमला, वो तो आप सब देख ही लोगे यार। तो वहाँ पे तिरुमला हिल्स दिख रहे होंगे और यहाँ से अगर मैं लेफ्ट ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा गोविंदराज स्वामी टेम्पल। तो प्रीमाइसेस में तो पहुँच गए हैं अभी, यही आला भाई जनरल सिटी दर्शन करके आते हैं। सबसे पहले फोन तो वहाँ पे अलाउड नहीं होता है, बस यहाँ पे फोन को डिपॉजिट कर देते हैं। लिटरली गाइस बहुत मस्त दर्शन हुआ अभी, और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पे ड्यू टू लो ऑडियो क्वालिटी। आ गए हैं बाहर और अभी चलते हैं कुछ खाने और उसके बाद डायरेक्ट अली पेरी, लेट्स गो। यहाँ पे आ गए हैं होटल के अंदर, ये आ गया है अपना डोसा। चलो यार रहने देता आप ज़्यादा, और ये टेस्ट करते हैं अभी अपनी ये वाली चाय की चाय। और ये बिलिंग चालू है यहाँ पे। फिर से अभी हम रूम में आ गए हैं दर्शन करके। सो अभी हम जाने वाले हैं अली पेरी। तो अली पेरी जाने के लिए ऐसे तो बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा, इसलिए अपने वाले कपड़े पहन लेते हैं जो कि एकदम कंफर्टेबल रहेंगे चढ़ने में, क्योंकि अभी गर्मी चालू हो गई और पसीना भी बहुत होगा। सो या ये वाला अच्छा रहेगा या ये वाला, इसका कन्फ्यूजन हो रहा है, दोनों वाइट कलर के हैं। सो देखता हूँ कौन सा पहनूँ और चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस फिलहाल हम बैठ गए हैं एक ऑटो में, जो ऑटो हमें ड्रॉप करेगा अली पेरी तक, लेट्स गो। अभी हम यहाँ पे आए थे अपने बैग्स रखने के लिए और इतनी भीड़ है फिलहाल। तो यार मतलब दिन की शुरुआत ही है अभी और मतलब इतनी भीड़, मतलब WTF। और अभी जा रहे हैं वो काउंटर के पास, ये रख दी मैंने अपनी बैग और स्कैन होके वापस भी आ गई है। चलो बैग भी जा चुकी है, अभी निकलते हैं हम अली पेरी के लिए, लेट्स गो। अभी यहाँ पे जोर से घंटा नगर चालू है। दिस इज राजा गोपुरम। चलो सब कुछ क्लियर हो गया है, अभी चलते हैं और एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। खूब जमाना बना था आपने, इतना टाइम है सोच तू कि बस ऐसा पैर पड़ के जाने का सब। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे जो एक के ऊपर एक पत्थर सके हुए वो क्यों है, और मुझे पता है वो वाला वीडियो सबने देख लिया होगा। सबसे पहला ब्रेक यहाँ पे सोडा पीते हैं, हाँ अभी तो सो भी नहीं हुए यार, ये चल क्या रहा है। गाइस यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, वेट आपको जूम करके बताता हूँ। तो बस पूरा बूस्ट होऊंगा मगा सा भुर्र दो। चलो इतने कम स्टेप्स हो गए यार, यहाँ से पूरा चक तिरुपति दिख रहा है यार। 800 हो गए यहाँ पे। एक्सप्लेन करने की तो आज कोई बात नहीं आती है, मैंने इस वाले वीडियो में इतना एक्सप्लेन किया था, इतना एक्सप्लेन किया था कि अभी बस चलते हैं। मुझे पता है वो वीडियो सबने देख लिया होगा। अब देखो वहाँ से ऊपर वैसा, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट था, स्टिक भी अटैच कर लिया, अभी यहाँ से एकदम वाइड एंगल आएगा। चढ़ा यार यहाँ से तो बस 100 स्टेप्स चढ़ने के बाद ही एकदम खुश हो जा रहे हैं। नहीं नहीं बोले फिर भी ये हमारा 5वां ब्रेक है और अभी बस 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो पता नहीं आज क्या हो रहा है। उदित मामा वेयर आर यू, और ये इतनी जल्दी आ गया हमारा दूसरा सोला। गर्मी बहुत है यार इसलिए थकान हो रही है। 86 87 88 89 90। क्लियर व्यू आ रहा है भाई वहाँ से, वो देखो आए हैं। कुछ 1600 से 1700 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं, सो या देखते हैं। अभी मैं हूँ वामन अवतार के पीछे और यहाँ से व्यू देखो। तो अभी चलते हैं यहाँ से, और एक ब्रेक ले लिया है यहाँ पे। और वो है SV यूनिवर्सिटी। और एक बैड न्यूज़ कि मेरा जो ट्राइपॉड का रिमोट था वो कहीं पे गिर गया मेरे से और खो गया, उसके साथ मेरी गाड़ी की चाबी अटैच भी थी, आपको शायद से मालूम भी होगा।
को अभी क्या कर सकते हैं यार, इतनी सी चड्डी पहन के आए, उसमें क्या क्या रखूँ, एक ट्राईपॉड, एक सेल्फी स्टिक, एक पावर बैंक, एक पॉड, क्या क्या रखूँ यार। तो उसमें वो मिसप्लेस हो गया तो छोड़ो अभी। और ये है मेरे पीछे गाली गोपुरम, जिसको हम नीचे से देखते थे, यहाँ तक आ गए हैं हम। और यहाँ से नीचे का व्यू देखो यार, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। गाइस 2100 स्टेप्स डन। और 2700 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं अभी। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिख रहे थे, उसमें से उठाऊंगा अभी मैं एक कैरी। अभी यहाँ से तो पूरे सीधे स्टेप से तो बिल्कुल थकान नहीं हो रही है, नहीं तो पहले तो आपने देखा होगा कैसा हुआ था। एंड सामने जो रोड दिख रहा होगा वो जाता है तिरुमला से तिरुपति बाय व्हीकल्स। जंगल का डियर लग रहा है ये। चलो हम भी यहाँ पे अपना घर लगाते हैं, सो लेट्स गो। और वापस से फ्लैट रास्ता आ गया है। एंड थोड़ी देर में आ जाएगा आंजनेय स्वामी टेम्पल। तो हाँ, और ये आ गया है आंजनेय स्वामी टेम्पल, पीछे से देख सकते हो आप। अभी दर्शन करके आते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अभी लेते हैं भेल। ते समोसे खाऊं ना को मला फक्त खायना मी समोसे नहीं, समोसिया है ये। ये समोसे है भैया, ये तो छोटी छोटी समोसिया है। और गाइज यहाँ पे एक छोटा मोटा गार्डन है, जंगल है। और गाइज अभी हम आए हैं लक्ष्मी नरसिंह स्वामी टेम्पल तक। मैंने पिछली बार जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया था, सो टैप ऑन द आई बटन। बट इस वीडियो के बाद फिलहाल मैं यहाँ पे दर्शन कर लेता हूँ और फिर चलते हैं आगे की तरफ। ओके गाइज, सो यहाँ से जो रास्ता होगा वो थोड़ा सा रास्ता बाय रोड होगा। सो यहाँ से आप देखना कितना मस्त व्यू आता है नीचे से तिरुपति का। सो यहाँ चलते हैं यहाँ से। बट गाइज इस बार धूप बहुत है, सो थोड़ा सा ऐसा कुछ सुनाई दिया, मतलब तिरुमला की वाइब आई। मैं पिछली बार जब यहाँ पे आया था गाइस, तब आपने देखा होगा पूरा फॉगी था, पर अभी तो पूरा अपोजिट हो गया है, पूरी धूप आ गई है, तो नीचे का पूरा साफ साफ व्यू दिख रहा है। सो राइट नाउ मैं बस वाइब कर रहा हूँ इस व्यू पे और तिरुमला की सारी पॉजिटिव एनर्जी पे। सो आई विल नॉट से एनीथिंग, बस आप इस व्यू को देखो यार, मतलब क्या आई कांट से एनीथिंग। एक असं गोपुरम टाइप दिसायचं बघ, ते मैसूर गोपुरम आहे, तिथपर्यंत चालत जायचं आपल्याला। हो गोल रस्ता आहे ते असा, उधर से यहाँ से चल के वहां तक। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बहुत एक्सप्लेन किया था, वहां पे मैं मार्क कर दूंगा। मैसूर गोपुरम थोड़ा सा दिख रहा होगा और वो है पूरे तिरुमला के हिल। ये टैक्ट अच्छी है, यहाँ से ऐसे ऊपर से चलो, इसका डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नहीं। और वो लोग वहां से आ रहे हैं। एंड अभी आ गया है मैसूर गोपुरम, वहाँ से क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है यार, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है यहाँ से। एंड दिस इज मेरे सामने, इसको बोलते हैं मैसूर गोपुरम। सो या इसके बाद जो स्टेप्स आएंगे उससे हमें ऐसा घुटनों पर चलना पड़ता है, तो इन दोनों का पता नहीं, पर मैं तो पैरों की भट्टी हो रही है, पर हम एडजस्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो अभी यहाँ से वहाँ तक जाएंगे घुटनों पे। ओके गाइस, सो अभी आप देख सकते हो मुझे राइट नाउ, मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब जिसने मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड किया है उस पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो आ गया हूँ मैं घर पे, सो अभी इसी वीडियो से झेलना पड़ेगा। तो या गाइस, बट पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ था, सो इसके बाद प्लीज़ अगर आपने देखा नहीं होगा तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देखना, गजब से बहुत बहुत मस्त वीडियो बना था यार वो। तुमने थोड़े सोच गए पर कोई बात नहीं, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है यार ये मैसूर गोपुरम से। यहाँ से वो ऊपर है तिरुमला और ये हिल्स देख सकते हो आप। आय हाय 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 हाय, देखो कोई स्पेशल मन्नत नहीं थी कि ऐसा घुटनों पे चलूँगा तो ये हो जाएगा, बस यहाँ से यहाँ तक बस घुटनों तक चलना, इसका मुझे भी कुछ पता नहीं यार, मतलब मेरे से अभी करना ये पॉसिबल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं थोड़ा सा घुटनों पे चलूँगा तो करने में प्रॉब्लम क्या है यार, मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, बस करना था इसलिए किया, डिवोशन था तो हाँ, और बस थोड़ा ही बच गया है तो चलते हैं ऐसे, और बस कुछ आधा घंटा लगेंगे तो हाँ, यहाँ पे ले लेते हैं और एक ब्रेक, फक्त डिवोशन ठेव बघ, पाय पाय दुखत नाही काहीच होत नाही, मला काहीतरी व्हायला का बघ। आहा की जाने काय, बस उधर तक थोड़ा सा और सबर रखो, 15-20 मिनट। यह है पहला अलवेरू, इसका मतलब यह है कि 90% स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी रास्ते में देखो, मैंने आपको एक बताया था, अभी कम से कम 10-15 आएंगे तो वो देखते हैं। चलो दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, गाइस दिस इज फोर्थ वन, वंटी एंड गाइस दिस इज द फिफ्थ वन एंड दिस इज द सिक्स्थ वन। बस 5% रह गए हैं अभी, और गोविंदा 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 गोविंदा, और ये है सातवां, और 3500 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, वो वाला है आखिरी वाला बस। फाइनली वी हैव एंटर्ड इन तिरुमला, 3500 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं पहले जैसे, तो अभी जाके लगेज लेते हैं। हाँ, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इस बार मैंने वीडियो की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा कम रखने का सोचा, क्योंकि मैंने ये वाला जो वीडियो बनाया था, जो कि फिलहाल चैनल का मोस्ट व्यू वीडियो है, जो कि है 22 मिनट का वीडियो गाइस, तो उसका ऑडियंस रिटेंशन सिर्फ 3 मिनट का है, तो इसलिए मैंने इस बार छोटा सा छोटा ट्राई किया। तो सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। ये वाला वीडियो और ये वीडियो, ये दोनों काफ़ी सिमिलर थे, बट उस वीडियो में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी उतनी इसमें नहीं दी। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो वो वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना गाइस। और इसके बाद जो हुआ, तिरुमला में इतनी रश थी कि हमें लिटरली पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और हमें रूम्स भी नहीं मिली। बस कुछ एक दो दिन वेट करना, मैं जल्दी से ये पार्ट ड्रॉप कर दूंगा और इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। फिर से बोलता हूँ, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस वाली सीरीज के बस 2 ही वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं, वो वाली सीरीज के तो 5 वीडियोज है इंक्लूडिंग 1 टीजर, तो वो भी आपने देख लिया होगा। और वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कॉमेंट कर देना गोविंदा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।